हाय, दिस इज मनीष मेहता और आज जो मैं टॉपिक बताने वाला हूँ वो है मशीन डिजाइन। तो मेरे 15,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ माय सब्सक्राइबर्स, ऑल ऑफ माय व्यूअर्स। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी मेरे 15,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो आप लोगों ने बहुत इंस्पायर किया यार, रियली सही में। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो कि मेरा वीडियोज में एम यही होता है कि जो भी वीडियो हो उसे मैं शॉर्ट में बताऊं, उसका जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसे एकदम प्रिसाइज, मतलब टू दी पॉइंट बताऊं, कुछ भी इधर उधर नहीं। जो चीज़ वो कहना चाह रहा हो टॉपिक वो चीज़ बताऊं और उसका मैं एग्जांपल या क्वेश्चन करवा दूं जितना से जितना कम समय में। ठीक है, क्योंकि एक ही चीज़ नहीं है पढ़ना, बहुत सारी चीज़ पढ़ना। अगर आप गेट का प्रिपरेशन, बहुत सारे लोग गेट का प्रिपरेशन खुद से कर रहे हैं, सेल्फ कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर सेल्फ कर रहे हैं आप और अगर आप मशीन डिजाइन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं अभी कंप्लीट प्लेलिस्ट डालने वाला हूँ मशीन डिजाइन पे। आप इसके बाद इस प्लेलिस्ट को अगर आप पूरा कंप्लीटली वीडियो देख लोगे तो आपका जो गेट में जितने भी क्वेश्चंस गेट में प्रीवियस ईयर आए हैं उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर सकोगे। ठीक है तो एक्चुअली क्या होता है ना कि जो भी मशीन डिजाइन का जो भी टॉपिक्स है, कोई भी चैप्टर ले लें या फिर कोई भी एक सब्जेक्ट ले लें, उसमें जो भी चैप्टर्स होंगे या फिर इसे मैं टॉपिक्स बोलता हूँ, जो भी टॉपिक्स होंगे उन टॉपिक में क्या है, उसका कुछ कोई टॉपिक लेवल ले ज्वाइंट वो कुछ कहना चाह रहा होगा। ठीक है, तो और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। ठीक है, और उसमें कुछ क्वेश्चन होता है, मतलब कि क्या है कि गेट क्या है, हर बार उस टॉपिक का कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से ही रिपीट करके क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कभी ही एक आध बार रेयर में वेरिएशन डालता है, नहीं तो बार बार रिपीट करेगा इससे वेल्डेड जॉइंट से, बोल्टेड जॉइंट से, जो भी एक फॉर्मूला है। अदरवाइज वेल्डेड जॉइंट के बारे में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन उसका एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला कुछ है, उसको पढ़ना है और उसके बारे में जानना है, बोल्ट जॉइंट का, बैंड ब्रेक का, ब्लॉक ब्रेक का, क्लच का, गियरिंग का, गियर डिजाइन का। ठीक है, डायनेमिक लोडिंग थ्योरी, फिल, ये सब जो टॉपिक है इन सब में कुछ ना कुछ एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। और ये एक्चुअली में ये टॉपिक्स कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है, उस चीज को मैं जितना कम से कम समय में टू दी पॉइंट बताऊंगा और उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस भी करवा दूंगा प्रीवियस ईयर से, तो आपको समझ में आ जाएगा ये टॉपिक्स एक्चुअली में कहना क्या चाहते हैं। और जब प्रीवियस ईयर लगा लोगे तो आपके पास कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको डीप में पढ़ोगे ना तो बहुत टाइम लगेगा और इतना टाइम है नहीं। तो मशीन डिजाइन के अगर मार्क्स देखें हम लोग तो 3 से 7 मार्क्स तक पूछता है। ठीक है, 7 बहुत कम ही पूछा है, तो अप्रोक्सीमेटली 5 मार्क्स एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, तो 5 मार्क्स का ये चैप्टर या फिर ये सब्जेक्ट है और इतने सारे टॉपिक से आप कितना टाइम देना चाहोगे, आप खुद सोच लो, है ना। तो उस टाइम के अनुसार हम इस सब टॉपिक को ज्यादा डीप में नहीं पढ़ते। ठीक है, हम लोग उतना ही पढ़ते हैं जितना कि प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है, गेट में पूछा जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट में बहुत कुछ पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता है। अल्टीमेटली कुछ भी पढ़े हमें याद होना चाहिए। ठीक है, और जितना प्रिसाइज पढ़ेंगे जो पूछा जाता है उसी उतना ही पढ़ेंगे तो वो स्ट्रांगली याद रहेगा। तो अगर तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो अगर स्ट्रांगली याद है तो वो सही हो जाता है। अदरवाइज हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा फेडेड टाइप से याद होता है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन ज्यादा क्रिएट होता है। ठीक है, तो उस तरीके से नहीं पढ़ना। ठीक है, हमें जल्दी जल्दी पढ़ना है और जो ज्यादा हॉट टॉपिक्स है, हॉट फॉर्मूले, ज्यादा हॉट इम्पॉर्टेंट है, वो सबको हमें ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूँ इन सब चीजों में। मैं कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाऊंगा, आप सारे प्लेलिस्ट को देखना, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर करना, उसके बाद आप मेरे को कमेंट में आकर के बताना कि कैसा था मेरा प्लेलिस्ट। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो है वेल्डेड जॉइंट। ठीक है, तो वेल्डेड जॉइंट जो है बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं वेल्डेड जॉइंट। ठीक है, वेल्डेड जॉइंट एक होता है वेल्डेड जॉइंट, लैप जॉइंट होता है पहला टाइप, और दूसरा होता है बर्ड जॉइंट। ठीक है, लैप जॉइंट को फिलेट जॉइंट भी कहते हैं हम लोग, फिलेट जॉइंट। ठीक है, अब लैप जॉइंट होता क्या है, कुछ नहीं होता है, 2 प्लेट्स, मैं इसका सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, 2 प्लेट है, 2 प्लेट, ठीक है, 2 प्लेट को हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं ज्वाइन, ये 2 टाइप्स है। ठीक है, वेल्डिंग क्या है, मेथड ऑफ ज्वाइंट, हमें 2 प्लेट्स को ज्वाइन करना है,
तो अगर दो प्लेट को हम ऐसे रख के ज्वाइन करते हैं, एक प्लेट के ऊपर रख के, और फिर यहाँ जहां रखे इस पार्ट पे वहां पे वेल्डिंग कर रहे हैं, यहाँ पे वेल्डिंग करेंगे या फिर नीचे साइड में यहाँ पे वेल्डिंग करेंगे, ठीक है, तो ये होगा हमारा लैप जॉइंट, ठीक है। और बट जॉइंट होगा अगर इस प्लेट, दो प्लेट्स को एक के ऊपर नहीं रख करके कुछ डिस्टेंस में रखे, ठीक है, गैप दे करके, और उस गैप में वेल्डिंग करेंगे हम लोग, तो वो हो जाएगा बट जॉइंट, ठीक है। सिंपल सा डिफरेंस है इन दोनों में। तो बेसिकली इस पे बहुत फोकस करना है, इसमें थोड़ा अच्छे से पढ़ना, बट जॉइंट बहुत ही ईजी है, इसलिए सबसे पहले मैं बट जॉइंट को बता देता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा लैप जॉइंट, ठीक है। तो बट जॉइंट को हम लोग पहले देखते हैं, बट जॉइंट, और उसका मैं क्वेश्चन भी बता दूंगा। बट जॉइंट कुछ नहीं, तुम्हारे पास दो प्लेट्स हैं, ठीक है, अगर साइड से देख रहे हैं, टॉप से देखेंगे तो हमें कैसे दिखेगा, दो प्लेट्स, ऊपर से देखेंगे तो दो प्लेट दिख रहा होगा, ठीक है। और उसके बीच में एक्चुअली में इसे हम लोग सीधा ना रख करके थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं, ऐसे करके वेल्ड करने की कोशिश करते हैं, मतलब एक प्लेट का शेप जो होता है, एक प्लेट का शेप जो होता है वो ऐसे होता है, और दूसरा प्लेट का भी शेप थोड़ा ऐसे होता है, ठीक है, टेढ़ा करके रख करके, और यहाँ पे हम लोग वेल्डिंग कर देते हैं, मतलब उनके बीच में जो गैप है वहां पे हम लोग वेल्डिंग कर देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है जॉइंट वो थोड़ा स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथफुल होता है, मतलब उसका स्ट्रेंथ अच्छा रहेगा, इसलिए तो लोग थोड़ा टेढ़ा करके करते हैं, ठीक है। और तो ये हमारा हो गया, दो प्लेट्स को हम लोग जो ज्वाइन करें बट ज्वाइन, तो हम लोग क्या करेंगे, ये दो प्लेट्स है उस पर हम लोग फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स लगाने से इसका जो ज्वाइंट है उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, ठीक है। तो ये जो फोर्स लगाए तो इसमें कुछ स्ट्रेस डेवलप होगा, सिग्मा, टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल हम लोग खींचे ना, तो यहीं पे तो स्ट्रेंथ है, टूटने का डर यहीं पे है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वेल्डिंग किए, ये तो दूसरे मटेरियल से किए, तो हम लोग जब फोर्स लगा रहे हैं तो यहीं पे जो होगा, यहाँ पे जो स्ट्रेस डेवलप होगा, लेट्स सपोज सिग्मा टी टेंसाइल स्ट्रेस है, ठीक है, और इस प्लेट का थिकनेस जो है वो टी है, ठीक है, और प्लेट का जो विड्थ है इन टू द प्लेन, मतलब इस बोर्ड के अंदर, या फिर इसको क्या देख सकते हैं हम लोग, ठीक है, टॉप व्यू से देखेंगे ऐसा दिखेगा ये, तो इसका कुछ लेंथ होगा, लेट सपोज ये लेंथ एल है, यहां से आता है टी नहीं लेंथ एल, ठीक है, और उसका थिकनेस टी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया देखना चाहे, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर्म हो रहा होगा ना, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये वाला प्लेट है ऐसा, ये थिकनेस है और ये लेंथ है, ऐसे देखो ये लेंथ है और इनसाइड थिकनेस है, इसका एरिया क्या होगा, थिकनेस इनटू लेंथ, थिकनेस इनटू लेंथ मतलब टी इनटू एल, ये तो एरिया होगा इसका, इसी में तो खींच रहे हैं हम लोग, इसी में तो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, ठीक है, एरिया आ गया, इस पार्ट का एरिया आ गया, ठीक है, और फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, तो हम कह सकते हैं फोर्स क्या होता है, सॉरी टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, बेसिक फॉर्मूला सबको पता है, और फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स क्या, फोर्स तो फोर्स है, एरिया क्या, टी इंटू एल, क्रॉस सेक्शन एरिया इस प्लेट का टी इंटू एल, थिकनेस, और प्लेट का ये है जो विड्थ, ठीक है, ये हमारा आ गया सिग्मा टी, ठीक है। तो ये सिंपल सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो कि रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन में थिकनेस लेंथ दिया रहेगा और सिग्मा टी दिया रहेगा, फोर्स पूछ देगा, या फिर फोर्स दिया रहेगा, टी दिया रहेगा, लेंथ दिया रहेगा, सिग्मा टी पूछ देगा, कुछ भी है, ये सब डेटा दिया रहेगा, सिंपल स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया यूज कर देना, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द प्लेट जहां पे हम लोग बट वेल्डिंग करिए, 2014 में क्वेश्चन आया था, आप जाकर कोशिश कर सकते हो, उसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, हो जाएगा बहुत इजीली, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बट जॉइंट सिंपल चीज है। हमें जो ज्यादा फोकस करना है वो है लैप जॉइंट, फिलेट जॉइंट पे, ठीक है, तो उस पे मैं ज्यादा बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ये वाला थोड़ा इजी है, आप क्वेश्चन जरूर करना चाहकर 2014 में आया, अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। हमें जो पढ़ना है वो है लैप जॉइंट, मतलब वो भी पढ़ना है बट जॉइंट भी, लेकिन लैप जॉइंट को समझना है, इसे समझना पड़ेगा, तो लैप जॉइंट या फिर फिलेट जॉइंट, ठीक है, फिलेट जॉइंट बोलते हैं, फिर इसे लैप जॉइंट बोलते हैं, तो कुछ नहीं है, अभी मैंने बताया।
एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट को रखते हैं हम लोग, एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट को रखते हैं और फिर यहाँ वेल्डिंग करते हैं, यहाँ वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, इसका मैं फिगर बनाता हूँ। एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर रख दिए और यहाँ वेल्डिंग कर दिए। ठीक है, यहाँ पे भी कभी कभी वेल्डिंग कर देते हैं, दोनों साइड कर देते हैं, क्या दिक्कत। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जैसे हम लोग अगर टॉप व्यू से देखेंगे तो एक प्लेट रहेगा, दूसरा वाला प्लेट उसके अंदर रहेगा नीचे से, जो कि दिखेगा नहीं। हाँ, ऐसे जाकर के और यहाँ पे वेल्डिंग किया रहेगा कुछ। ठीक है, साइड से देख रहे हैं तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, वेल्ड का लेंथ एल रहेगा, सॉरी, और थिकनेस प्लेट का टी रहेगा, कुछ फर्क नहीं होने वाला है। ठीक है, हमें जो फोकस करना है वो यहाँ इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करना है, ये जो वेल्डिंग करते हैं ना यहाँ पे, तो इस वेल्डिंग को हम लोग अगर स्टडी करेंगे तो क्या है कि जो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, हम लोग फोर्स के लिए फॉर्मूला बताने से पहले मैं सिंपल चीज बता देता हूँ कि हम लोग जो वेल्डिंग कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके का उसका एरिया बन रहा है। इधर से देखेंगे तो, ऊपर से देखेंगे तो कुछ ऐसा बन रहा है, साइड से देखेंगे तो कुछ ऐसा एरिया वो अंदर की ओर वेल्ड किया गया है। ठीक है, कुछ ऐसा एरिया बन रहा है, तो ये ट्राइंगुलर इसे हम लोग अप्रोक्सीमेटली अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल एक अप्रोक्सीमेटली अज्यूम कर लिए, तो जब हम इस पर फोर्स लगा रहे होंगे कुछ F, कुछ प्लेट को खींच रहे होंगे हम लोग, ठीक है, तो जो सबसे वीकेस्ट पार्ट होता है इस वो तो होगा वेल्ड, और उस वेल्ड में तो सबसे वीकेस्ट पार्ट, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखे तो ऐसा हम लोग खींच रहे हैं तो यहाँ का एरिया कुछ है और यहाँ का कुछ, मतलब कि हर जगह एरिया चेंज हो रहा है। ठीक है, ऐसा हम लोग खींच रहे थे, इस पे स्ट्रेंथ लग रहा था, इधर से इधर फोर्स लग रहा है। ठीक है, हर जगह एरिया चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे मिनिमम एरिया है यहाँ पे। ठीक है, ये 45 डिग्री में ये इक्वल लेंथ है, इधर भी अगर बोल दे एच, इधर भी बोल दे एच, तो ये इक्वल लेंथ है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है और ये बीच में है, तो ठीक है, इसे हम लोग बड़ा ट्राइंगल में अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। ये कितना बनेगा, 45 डिग्री पे बन रहा होगा, ये लेंथ एच है, तो ये जो एरिया 45 डिग्री पे है इसे मैंने ट्राइंगल में अप्रोक्सीमेट कर दिया और ये वाले लेंथ को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, हमें ये एच नोन रहता है। ठीक है, तो ये है मिनिमम क्रॉस सेक्शन, क्योंकि यहीं पे हमें टूटने का डर है। लैप जॉइंट में क्या है, हम लोग मशीन डेयर में क्या करते हैं, हम लोग कहाँ पे फेल होगा वो फाइंड करते हैं, तो फेल होने का चांसेस कहाँ पे, यहीं पे रहेगा मिनिमम क्रॉस सेक्शन पे। तो ये एच है, ये एच है, तो ये क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल में छोटे वाले ट्राइंगल में रीड करेंगे तो ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये एच है, ये क्या हो जाएगा, ये वाला लेंथ यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ क्या हो जाएगा, इसका एच कॉस 45 हो जाएगा ना, एच कॉस 45, एच का कॉस 45 हो जाएगा वो। तो अब हम लोग जो लिखेंगे, क्योंकि उस पार्ट में फेल हो सकता है तो वहां पे स्ट्रेस लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो वहां पे हम लोग स्ट्रेस लिखेंगे, तो एक्चुअली में यहाँ जो फेलियर हो रहा होगा सीयर फेलियर हो रहा होगा। ठीक है, सीयर फेलियर ऐसे करेंगे हम लोग, तो सीयर फेलियर को मैं नहीं बोलता हूँ। ठीक है, सपोज फेलियर हो रहा है, ठीक है, फेलियर हो रहा है, सीयर कब होगा और टेंसाइल कब होगा मैं बताऊंगा भी इसमें। ठीक है, अभी कंफ्यूज ना हो, तो यहाँ फेलियर हो रहा होगा क्योंकि हम लोग खींच रहे होंगे इस क्रॉस सेक्शन पे, इस मिनिमम क्रॉस सेक्शन पे, यहाँ पे फेलियर हो रहा होगा। ठीक है, इसके मिनिमम क्रॉस सेक्शन पे फेलियर हो रहा होगा। हम लोग अगर लिखना चाहे इसके लिए फॉर्मूला सिंपल से लिखेंगे हम लोग, स्ट्रेस जो इसमें डेवलप हो रहा होगा, ठीक है, वो लिखेंगे हम लोग सिग्मा बराबर फोर्स अपॉन एरिया, इस मिनिमम क्रॉस सेक्शन के एरिया, वही तो मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप होगा। ठीक है, हाँ, वही फेलियर होने का चांसेस है। ठीक है, तो हमें क्या है, फोर्स तो फोर्स है, एरिया इसका क्या होगा, इस पार्ट का एरिया क्या होगा, ये वाला लेंथ इनटू जो अंदर विड्थ होता था वो लेंथ, और विड्थ कितना है इसका, एल है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसका एरिया जो होगा मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया होगा एच बाय क्रॉस 45, इसका लेंथ और उसका जो विड्थ होगा अंदर की ओर, एल,
ठीक है, तो हम कह सकते हैं एच बाई कॉस 45 इनटू एन। यहां से हम एफ को लिख सकते हैं एफ इक्वल्स टू सिग्मा एच बाई कॉस 45 इनटू एन। ठीक है, कॉस 45 को हम लोग बोलते हैं क्या, एच कॉस 45, सॉरी एच कॉस 45, एच कॉस 45 इंटू एन। तो और कॉस 45 क्या होता है, वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू। और वन बाई रूट टू को हम लोग अगर कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो सिंपली आ जाएगा 0.707। सिग्मा था और एच था और एन था, ठीक है। तो ये है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन लैप जॉइंट, ठीक है। अगर आपको इतना समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, ये फॉर्मूला से भी आपको काम हो जाएगा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि मिनिमम कंस्ट्रक्शन एरिया ये होता है, ये वीक पार्ट है, यहाँ पे ये फेलियर हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला आपको झट से भी क्वेश्चन आएगा तुरंत यूज कर देना, लैप जॉइंट लिखा रहेगा, फिर फेलियर जॉइंट क्वेश्चन में लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया सिग्मा जो इसमें स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, एच जो है इसे बोलते हैं हम लोग, इसका कुछ टर्म्स है, ठीक है, मैं उस चीज को बता देता हूं। एच जो है वो है लेग ऑफ वेल्ड, इसको बोलते हैं लेग ऑफ वेल्ड, ठीक है। और टी इज द थिकनेस, टी इसमें नहीं है ना, देयर इज नो टी हियर, लेग ऑफ द वेल्ड और पी फोर्स एच मस की, ठीक, बस ये हमें जानना था, ये एक नया टर्म है एच। एल तो पता है विड्थ है, सिग्मा स्ट्रेस डेवलप फोर्स ही, ये एच आया था वो क्या था, एच जो है वेल्डिंग जो कर रहे हैं उसका ये वाला लेंथ है ना एच, या फिर इसे बोलते हैं एच, ये जरूरी नहीं थिकनेस के इक्वल हो, है ना, क्योंकि हम लोग हो सके वेल्डिंग कर रहे हो, ये थिकनेस इतना ज्यादा हो, वेल्डिंग हो सके हम लोग इतना ही कर रहे हो, ठीक है, इसलिए हम लोग थिकनेस को यहाँ नहीं लेते, यहाँ एच ले लेते हैं, ठीक है। अभी जो फोर्स हम लोग ऐसे लगा रहे हैं प्लेट में, हम लोग प्लेट में ऐसे ऐसे लगा रहे हैं ना फोर्स वाली, इस वेल्डिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि हम लोग फोर्स वेल्डिंग के डायरेक्शन में लगा सकते हैं, मतलब ऐसे एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, अगर इस तरीके से फोर्स हम लोग लगाने लग गए तब इस समय तो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होता था, लेकिन इस तरीके से क्या होगा, शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, मतलब फेलियर कैसा होगा, ये वेल्ड मतलब पार्ट है, लेट्स सपोज ऐसा दो प्लेट जुड़ा हुआ है, तो ऐसा फेलियर होगा, सीयर फेलियर, मतलब दो एरिया एक दूसरे के ऊपर स्लिप करेगा, ठीक है, तो दोनों प्लेट्स ऐसा होगा, तो ये जो वेल्डिंग वाला पार्ट है वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप करेगा, स्लिपिंग वाला की वजह से ये टेंसाइल में स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, इसमें सीयर स्ट्रेस डेवलप होगा, और सीयर स्ट्रेस डेवलप होगा तो इसमें हम लोग जो सिग्मा जहां लेते थे वहां पे टाउ ले लेंगे, और सब कुछ फॉर्मूला सेम रहेगा, F is equal to 0.707 tau HL, ठीक है। इसमें हम लोग बोलेंगे when force is applied parallel to the weld, F applied, F is parallel to weld, जो वेल्डिंग उसके पैरेलल है, इसमें क्या है F is perpendicular to weld, ठीक है, F is perpendicular to weld, तो जनरली इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स, परपेंडिकुलर वाले को बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स, ठीक है, ट्रांसवर्स लोडिंग, ट्रांसवर्स लोडिंग, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ये वाला, जब हम लोग खींचेंगे तो टेंसाइल डेवलप होगा, और जब ऐसे खींचेंगे अलोंग द वेल तो उसमें शियर डेवलप होगा, और फॉर्मूला सेम रहेगा दोनों में सेम थ्योरी है, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, तो ये दो हमारा रहा दो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, इसे आपको एकदम स्टार मार लेना है दोनों फॉर्मूले को, ठीक है, मतलब इस टॉपिक का जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो ये है, उसमें आपको क्वेश्चन में देख करके पता चलेगा कि ट्रांसवर्स लोडिंग हो रहा है या फिर क्या बोलते हैं पैरेलल लोडिंग हो रहा है, ठीक है। अब गेट में 2006 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो हाँ इसमें एक चीज हम इसे बोल रहे हैं लेग ऑफ वेल्ड बोलते हैं, या फिर वेल्ड का थिकनेस, मतलब वेल्ड कितना थिक है, ठीक है, वो भी कह सकते हैं वेल्ड का थिकनेस या लेग ऑफ वेल्ड,
ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन में जो था सब कुछ दे दिया था एक्चुअली, उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछ दिया था। 2006 का क्वेश्चन अगर आप देखोगे उसमें क्वेश्चन था वेल्ड द स्ट्रेस कैरीज अ स्टेडी लोड अलोंग द वेल्ड, मतलब वेल्ड के अलोंग मतलब फोर्स जो कैरी कर रहा था उसमें अलोंग द वेल्ड मतलब पैरेलल था, पैरेलल वाला फॉर्मूला, पैरेलल वाला मतलब वेल्डिंग है उसके पैरेलल फोर्स लगा रहे हैं तो सीयर डेवलप होगा, वेल्डिंग ऐसे है उसमें अगर हम लोग पैरेलली फोर्स लाए तो सीयर वाला डेवलप होगा, ठीक है। तो हमारे जो जो यूज करना था वो फोर्स बराबर 0.707, ठीक है, लेग वेल्ड का लेग एच इंटू एल इंटू टाउ। क्वेश्चन जो था 2006 का क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो गेट का, उसमें आपको फोर्स दे दिया था लेग वेल्ड का लेग या थिकनेस बोल सकते हैं, वेल्ड का लेग बोल सकते हैं वो दिया था, वेल्ड का लेंथ दे दिया था, ठीक है, और शियर स्ट्रेस दे दिया था, और आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछ दिया था। तो ये हमें पता होना चाहिए अगर आप मॉस स्ट्रेंथोमेट्री या मशीन डिजाइन, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछता है मतलब हमें कुछ भी करना है जहां पे भी टाउ या सिग्मा है वहीं पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड होता है, जहां पे टाउ आ जाए क्वेश्चन या सिग्मा आ जाए वहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी से तुरंत हम लोग डिवाइड कर देते हैं और कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है। फिर अगर कुछ भी नहीं सोचते रहना कि कहां पे डालेंगे, जहां पे टाउ आए वहां पे एफ से डिवाइड करो, जहां पे सिग्मा आए वहां पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करो, ठीक है। तो यहां पे टाउ आए यहां पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देना है, ठीक है, और हमें सब कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में टाउ एल एच एफ, तो हमें तुरंत फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 भी लेते हैं, ठीक है, लेकिन जनरली कुछ नहीं दिया है तो हमें 1 अज्यूम करना है, लेकिन पूछ दिया है तो हमें तुरंत जहां पे भी सिग्मा है जहां पे भी टाउ है वहां पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देना, ठीक है। कुछ नहीं बोला है तो हमें कुछ अज्यूम नहीं करना, ठीक है। वो क्वेश्चन फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछ दिया था मतलब यहां पे डिवाइड करना था, नहीं तो अदर क्वेश्चन में क्या करेगा आपको फोर्स पूछ देगा, सब कुछ दिया रहेगा, बताओ बोलेगा सीयर स्ट्रेस कितना डेवलप्ड है, वेल्ड लेंथ है, वेल्ड का लेग है, बताओ फोर्स कितना लगा, ठीक है, फिर फोर्स कितना लगा बताओ कितना सीयर स्ट्रेस डेवलप हुआ, जो कुछ भी पूछ देगा आपको, ठीक है। तो ये सिंपल सा लैप जॉइंट का फंडा ये फॉर्मूला 0.707 लेग का लेंथ इंटू लेग का साइज मतलब एच इंटू सिग्मा या फिर इंटू टाउ, ठीक है। तो ये आपका लैप जॉइंट या फिर वेल्डिंग जो है वो खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट दूसरे टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन जरूर करना है, ठीक है, उसके बाद आप कोई बुक भी रीड कर सकते हैं, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा था या फिर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था। इवन 2012 में क्वेश्चन आया था वो करके देखना, ठीक है, अच्छा है वो भी। और 2014 में क्वेश्चन आया था बट ज्वाइंट से, वो भी करके देखना, ठीक है। तो आपका इससे और भी कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, वेल्डिंग के लिए। और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू।